हाँ भाई, सारी तैयारियां हो गई है। या मॉम, वी आर तैयार इज द। गोपी को चाहता है कश्मीर हो या बिहार इज द। तालियां बुढ़ाओ के लिए जल्दी। ओके ओके सुनो, बस इब एक बार वो कम सिन आ जाए तो तुम्हें बेरा है, तुम्हें के करना है। ऑफ कोर्स मैडम, ऑफ कोर्स। आइए आइए। राम राम मैडम। राम राम। क्यों, किस लिए आए हो चौकिंग प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करने? मैडम मैं शांत हूँ। अच्छा, मैं अशांत हूँ। अशांत नहीं मैडम, आप समझी नहीं, मेरा नाम है शांत, शांत कुमार। अमरूद में कीड़ा है, मन में पीड़ा है। मैडम ये केस मैं समझ गया मैडम, ये केस मेरे दांतों और आईने की तरह साफ है मैडम। मतलब इस आदमी ने एक अमरूद वाले से अमरूद खरीदा, उस अमरूद में कीड़ा निकला, इसके लिए उस अमरूद वाले के खिलाफ FIR लिखवाने आ गया, सिंपल। नहीं नहीं, हम लोग अमरूद वाले के खिलाफ FIR लिखवाने नहीं आए हैं। तो अमरूद वाली के खिलाफ FIR लिखवानी है? अरे एक मिनट यार, पीड़ा हम पे भी हो रही, बहुत पीड़ा, घनी पीड़ा हो रही मन में हमारे। और ये किसे ले आए हो साथ में, चमट्टो चमगादड़ की शक्ल का डिस्टर्बिंग आदमी? मैडम मैं गुस्सेल हूँ, लगातार चमेली का तेल हूँ, छिलका उतार के। देखो भाई ऐसा। मैडम मैडम एक मिनट, पहले वो भैया को उनकी खास लाइन बोलने दीजिए ना एक बार प्लीज। वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट पालूम इज द। मैडम मैं आपको बताता हूँ, दरअसल बात है मैडम कि हम दोनों वो अबर खबर जंगल है ना, वहाँ पे वो औंगड़पुरवा जो गांव है, औंगड़पुरवा वहाँ पे रहते हैं। मैडम वो जंगल में गोरिला है, उसे सारे गांव वालों का जीना हराम कर दिया है, सबको परेशान कर दिया है। अमरूद में कीड़ा है, मन में पीड़ा है। यार तो हम यहाँ क्या, तुम्हारी बेटी के ब्याह में कन्यादान भी हम ही करेंगे? अबे फॉरेस्ट ऑफिसर के डिपार्टमेंट की एक जो है दुकान हो गए वहाँ, फॉरेस्ट ऑफिसर में है, वहां जाओ उनसे कहो कि भैया गोरिल्ला ने धर के जंगल में छोड़िया है, चौकी में घुसा दे, अबे इन्हें खदेड़, चल। हाँ, चलो आओ, बाहर तक मैं आपको छोड़ देता हूँ है ना, फिर आप यहाँ दोबारा नहीं आना, ठीक है? यहाँ कोई हम लोग FIR वगैरह लिखते नहीं है, यहाँ कुछ काम नहीं होता है, कुछ ही नहीं होता है। और गोरिल्ला आया ना तो उससे पैसे वैसे कमाओ, टिकट मारो उसकी, सबको बुलाओ, अब यहाँ नहीं आना दोबारा, ठीक है? मैंने वो आ गई, वो कम से ना गई। एक मिनट, ये रेडी। दीवाना कहीं का। हाय हाय। भैया रे। सर, आई हैव क्वेश्चन फॉर यू कि सर बिल्कुल एन मौके पे, मतलब गलत मौके पे आपको यो हीरो की तरह एंट्री मारनी कोई अनिवार्य है क्या सर, जरूरी है? तो शटल हमें क्या पता था कि बुलडोजर हम पर आके गिर जाएगा, आप लोग बोलना चाहिए था ना हमको। एनीवे एवरीबॉडी स्विच टू प्लान बी। गुलगुले खाना रेडी है? अरे मैडम ये प्लान फेल नहीं होगा मैडम, ऐसा मेरे तो मसाले वाला खाना बनवाया है कि खाते ही भाग लेगी। ओके फिर बात आ रही हूँ, बैटिंग फॉर क्रिसमस, बैंड बजा दो, गो गुलगुले गो गेट मिस। अभी गया। अबे अबे कोई है हमको पकड़ने के लिए, अबे ऐश
शीशे, बता यहाँ सबसे ज्यादा बुढ़ा कौन है जो झाड़ू लगा रहा है। है ना सारा मामला? अबे कान में से धुआं निकलेगा, आग निकलेगी, आग। अरे क्या करे गोपी, नहीं नहीं गोपी नहीं। अरे एसपी साहब आइए आइए, देखिए मेरी बीवी ने स्पेशल खाना बनाया है आपके लिए, खाइए ना, खाइए खाइए खाइए। अरे वाह बहुत अच्छे। मैडम आप तो बस खाने पे ध्यान दीजिए, खाना खाइए आप आराम से, मैं आपकी जगह शीशे से बातें करता हूँ। ऐ शीशे बता यहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, ये या कोई और? डफर, यही जो तेरे सामने बैठी है। वाह वाह। Well, खाना देखने में लग रहा है अच्छा इज्जा, मेरी सास मुझे कहती है गधे का बच्चा इज्जा। वाह तुम्हारी सास कितनी समझदार है। वाला खाना देखने में कितना ही लजीज और स्वादिष्ट लग रहा है। अरे देखने में क्या, खाने में भी उतना ही लजीज, आप खाइए ना खाइए, आप ट्राई तो कीजिए। अरे कमाल का एकदम कमाल। मैंने पानी मांगा किसी से, मेरी आंखों में आंसू आ गए, बचपन की याद आ गई। तुमने तो मेरी बचपन की यादें ताजा कर दी। तुम लोग को पता है बचपन में मैं 100 लाल मिर्ची 100 हरी मिर्ची का ब्रेकफास्ट करती थी। अरे वाह क्या दिन थे वो। प्लीज नेक्स्ट टाइम से थोड़ी खाने में मिर्ची ज्यादा डलवाना, क्योंकि मैं अब जवान हो गई हूँ। अरे वाह क्या खाऊं। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी कि तुम तीनों मेरी इतनी मदद करते हो। ये बुढ़ा डायनासोर दिन रात सफाई करता रहता है यार, बहुत बुरी हूं मैं, मेरा भी कुछ वर्ष बनता है। आज से तुम तीनों मेरे साथ ही खाना खाओगे। मैं अमीरों और गरीबों में कोई फर्क नहीं समझती। चलो खाओ। नहीं नहीं मैंने तो खा लिया खाना, खा लिया। हाँ मेरा तो उपवास चल रहा है ना, मैं तो 15-20 दिन कुछ नहीं खाऊंगा। मैं तो डायरेक्ट रात को ही खाता हूँ जी। खाओ। सस्पेंड। वाह खाना खाना ही तो है, खाएंगे खाएंगे। चलो। हेलो बेबी ऐश प्लीज चलिए चलिए। अरे वाह क्या खाना बना है। यस हेलो किधर सीनियर सिटीजन डायनासोर आप भी लीजिए। मजा आया ना? क्योंकि मैं हूं कमसीन, आहा कर दूंगी सबको स्वाहा। Bye.
Oh my God! गुलगुले दिल करता तेरे कान के नीचे चपेड़ मारूं। खाने में कोई इतनी मिर्ची डलवाता है क्या? और नहीं तो क्या? जो पानी पी के तो हालत खराब हो गई है। 2 घंटे हो गए हमको खाना खाए, लेकिन अभी तक मिर्ची लग जा रही है। इतना पानी पी लिया है कि पेट पानी की टंकी बन गया है। कोई आपको सोचना चाहिए था ना कि कभी हम भी खा सकते हैं वो खाना। अरे मुझे क्या पता था यार, मुझे क्या पता था कि बाजी इस तरह उल्टी पड़ जाएगी। मुझे क्या पता था बेटा ऐसा है। वो तुम्हारी जो है ना, कोई सीधी जलेबी ना है, कम सिन आहा घनी टेढ़ी खीर है वो। या मॉम, बदकिस्मती ने दे दिया है हमें ये पेड़ा हिस्सा, ये कर देगी हम सबको टेढ़ा हिस्सा। हाय, वो कह रही थी कि ना, वो बचपन में नाश्ते में 100 हरी मिर्चियां 100 लाल मिर्चियां ये सब खाती थी मैडम वो। अरे झूठ बोलती है, सब फेंकती है वो, फेंकती है। देखो ऐसा है, कमसिन आहा ने पता लग गया है कि उसे यहां से भगाने की कोशिश की जा रही है, और अब तो जो है ना, वो सबकी एक एक करके रेल निकालेगी, बिकॉज शी इज ऑन हर गार्ड। तो मैडम मैं तो नौकरी छोड़ देता हूँ। हाँ यो सही, ऐसा कर लो। ए चले ए उड़ाऊ सोवे, कुछ ना कुछ तो उसका करना पड़ेगा इलाज। राम राम मैडम। अरे तू वही है, तू फिर से आ गया, क्यों भाई? हाँ मैडम, अमरूद में कीड़ा है, मन में पीड़ा है। मैडम मैडम, दिमाग एकदम भन्ना रहा है, गुस्से से झन्ना रहा है, बिल्कुल पूछो मत, क्योंकि मैं गुस्से लूं लगाता चमेली का तेल हूँ छिलका उतार के। क्या हो गया तुम्हारे? वो गोरिल्ला आ गया फिर से, उसने उत्पात मचा दी। अरे मैडम, वो गोरिल्ला ने तो उत्पात नहीं, आतंक मचा दिया है। हमारे घरों तक आ गया है वो, मेन डोर खोलता है, किचन में जाता है, खाना खाता है और निकल जाता है। अमरूद में कीड़ा है, मन में पीड़ा है। अबे तो तुमसे कही थी वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर में, जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में घुस लेने की, वहां से करने की इंक्वायरी वगैरह परेशानी, तो तुमने वहां में बात करी, गए नहीं वहां? अरे गए थे मैडम, जब हम वहां गए तो वो बोले कि जो जंगल है वो इनके इलाके में आता है, लेकिन हमारा जो गांव है वो आपके इलाके में आता है। मैडम मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं गुस्से लूं लगाता चमेली का तेल हूं छिलका उतार के। देखो ऐसा है, तुम्हारे यहाँ के निकल आया गोरिल्ला, हमारे यहाँ एक आ गई है गोरिल्ली जिससे हम डील कर रहे हैं, तो जरा हम सोचेंगे और हम करेंगे, एक्शन हम लेंगे, जरा टाइम दो, पुलिस वाले हम भी इंसान हैं। ओके अभी निकलो। मैडम एक बात बताओ, ये सारी मुसीबत की जड़ औरत ही होती है। इन्हें जरा खदेड़ो। मीठा है अमरूद में कीड़ा है, मीठा खिलाओ। मैडम मिर्ची लग रही थी तो उनकी जेब में कीड़े वाला अमरूद था, मैंने वही खा लिया। चलो इधर आ। गुलगुले माय डियर फ्रेंड। मैडम भाई इस सिचुएशन में हमारे दिमाग में हमारा ही एक डोली उठाओ बैंड बजाओ आइडिया आ रहा है। वुड यू लाइक टू हियर? हां तो मैडम कब देंगे, जब हम सबका बैंड बज जाएगा तब। पहले रैप्टा तो खाइए। सुनो, कम से नाहा ने घनी लंबी लंबी छोड़ने की आदत है ना, तो तुम लोग इब जाओ और उसे चढ़ाओ। हम कमिश्नर साहब से कहेंगे कि सर गोरिल्ला वाला एक जो केस है उसको सॉल्व करने के लिए हमें कमसिन आहा की मदद की जरूरत है। Yes! फिर जो है हम कमसिन आहा को गोरिल्ला पकड़ने के लिए भेजेंगे, और बिल्लू गोरिल्ले की खाल में आके कमसिन आहा ने इतना डराएगा कि वो कानपुर पहुंच जाएगी। मैडम समझ लीजिए काम हो गया। बताए आईने, मुझसे भी खूबसूरत है कोई इस जहान में? तुम ही सबसे ज्यादा सुंदर हो। करेक्ट, थैंक यू सो मच। ये क्या कर रहे हो? मतलब आप कैसे, आप मतलब आपसे ज्यादा हिम्मत वाली और बहादुर अफसर मैंने लाइफ में नहीं देखी। मैं मतलब कहने के लिए शब्द तो है नहीं, बस इसलिए आपकी पूजा कर सकता हूँ बस।
थैंक यू। धीरे सांस लो, दिए की जान लोगे क्या? कमाल है। देखो जरा ढंग से पूजा करो, क्योंकि भगवान ने सिर्फ ऐसा एक ही पीस बनाया है। जी 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 जी, आशीर्वाद तो दीजिए मैडम। सदा फूलो और ऐसे ही मोटे रहो। मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। बको, आप बचपन से ही इतनी बहादुर हैं। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोमेंट प्लीज। शायद आपको पता नहीं है, मम्मी जितना कोई बहादुर नहीं है। ये मम्मी कौन है? ये चंद्रमुखी चौटाला जी हैं, मैं उनको मम्मी जी कहता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था, मम्मी जी जितना कोई बहादुर नहीं है। वो इंसान तो इंसान, वो जानवरों को भी सीधा कर देती हैं। आपको क्या लगता है भैया कि क्या कमसिन मैडम किसी से कम है? कम है मैडम, आप कम है? बिल्कुल कम नहीं, बहुत ज्यादा हूं मैं उनसे। उस भद्दी फिगर, गैंडी फिगर वाले की मेरे सामने तारीफ। लगता है तुम लोगों को मैंने अपनी वो बात नहीं बताई। कौन सी? एक बार मैं जंगल में झरने के नीचे शैम्पू करने गई थी। सामने बहुत खतरनाक शेर मुझे घूर रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने फट से उसका कान पकड़ लिया और खींच के उसको उसके घर ले गई। वहां पे उसका खतरनाक बब्बर शेर बाप, माँ शेरनी और 3-4 बच्चे थे। मैंने कान पकड़ा और कहा, आंटी प्लीज अपने बेटे को समझाइए, मैं झरने में शैम्पू कर रही थी और ये मुझे छेड़ रहा था। आइंदा अगर इसने ऐसा किया तो इसके पेट में मुक्के मार मार के भूसा भर दूंगी, समझे? एसबी साहिबा, आप महान है, मतलब आपने शेर के पकड़े कान है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अरे मैंने तो बहुत सारी चुड़ैलों की चोटी घुमा के ना डब्बे में बंद किया है उसे। ओ गॉड, क्यों बनाया मुझे तुमने? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुमने मुझे क्यों इतनी खूबसूरत और इतनी बहादुर बनाया? छोड़ो यार, प्लीज लीव दिस टॉपिक। हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं, मैं यकीन कर ही नहीं सकता। ओए, एक ही गल की थी तू मेरे सामने, हाँ? एक बारी दोबारा कह, की क्या तू? मैं कह रहा सी जी कि मैं कह रहा सी भी हाथी दे खाने वाले दांत कुछ होर होंदे ने ते दिखाने वाले कुछ होर होंदे ने। मैं तुहाडी गल दा यकीन ही नहीं कर सकदा। गोपी, बस गोपी, एक मिनट मैडम, आप मुझ पे छोड़िए मैडम, बहुत हो गया गोपी। ये क्या बात है यार, तू कहना क्या चाहता है कि मैडम बहादुर नहीं है? अरे एक मौका मिलेगा ना तो अपनी बहादुरी प्रूव करने में पीछे नहीं हटेंगी मैडम, नहीं हटेंगी ना मैडम, नहीं ना? बिल्कुल नहीं। मुझे मिलने दे एक मौका, देखना मैं कितनी जोर से मारूंगी चौका। क्योंकि मैं हूं कमसिन, कर दूंगी सबको स्वाहा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.